सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कोई, तो आप लोग देख रहे हैं कोई दिन नाम यूट्यूब चैनल। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने टाइटल थंबनेल में देख लिया, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रोमन रेंज के जो नया रोमन रेंज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें रोमन रेंज का कहना है कि वो बन चुके हैं पार्ट टाइमर इनडायरेक्टली। पूरी इस हवाले से हम बात करने वाले हैं, लेकिन इंट्रो के बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं जाया करते, लेट्स begin into the intro and then into the video. So video में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो कर दो क्विट गेम नाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि अगले महीने इतने बहुत अच्छी न्यूज देने वाला हूँ आप लोग को। तो गाइस सुन लो, तो गाइस अभी रिसेंटली ही रोमन के अपकमिंग नहीं सॉरी रोमन ने अभी अपने ही पिछले ही किसी इंटरव्यू में ये बताया कि रोमन रेंज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, रोमन ने द बेबी के साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल रोमन वैसे भी कम अपीरियंस कर रहे थे, जो हम सब जानते हैं, जिसमें काफ़ी लोग उनको पार्ट टाइमर भी कॉल कर रहे थे, लेकिन इसमें रोमन रेंज ने बताया कि इसमें से रोमन रेंज पेपर यू में कम्पीट करेंगे। जैसे कि आप लोग ने देखा ही होगा 2022 में रोमन रेंज ने एक समर स्लैम में पेपर यू में कम्पीट किया, उसके अलावा रेसलमेनिया जैसे पेपर यू में किया, यानी कि मेरा मतलब है कि ना ना हेलेना सेल में कम्पीट किया, ना मनी इन द बैंक में कम्पीट किया। तो ये भी दो मेजर पेपर व्यू थे, चलो हेलेना सेल नहीं लेकिन मनी इन द बैंक तो एक मेजर पेपर व्यू था, तो रोमन ने इनमें भी कम्पीट नहीं किया। तो रोमन का जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रोमन ने जितने भी पेपर व्यू में अब भी कम्पीट किया है, रोमन उनमें भी नहीं करने वाले। जैसे कि रोमन के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग रोमन ने बताया कि वो सिर्फ बड़े बड़े पेपर व्यू में कम्पीट करेंगे, लाइक रेसलमेनिया, लाइक समर स्लैम, जो मेजर पेपर व्यू होंगे उनमें वो कम्पीट करेंगे, लाइक सऊदी अरेबिया के भी पेपर व्यू होते हैं लाइक ऐसे, और यूके में भी अपकमिंग भी और जाएगी, तो ऐसे बड़े बड़े पेपर व्यू में वो कम्पीट करेंगे। यानी कि इनडायरेक्टली रोमन का ये कहना है कि रोमन रेंज अब ऑफिशियली बन चुके हैं पार्ट टाइमर लाइक द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो ये रोमन के फैंस के लिए काफ़ी बुरी न्यूज़ है। आप लोग को पता चल तो गया ही होगा कि रोमन रेंज का क्या शेड्यूल कैसा टाइट चल रहा था, और ऊपर से ही अभी रोमन की ये नया इंटरव्यू भी आया है जिसमें रोमन का कहना है कि इनडायरेक्टली कि ऑफिशियली अब वो पार्ट टाइमर बन चुके हैं, और अब वो सिर्फ सऊदी अरेबिया और समर स्लैम और ऐसे रस्म में बड़े बड़े मेजर पेपर व्यू में ही कम्पीट करेंगे। तो ये आप लोग अगर रोमन के फ़ैन हो तो आप लोग को ये न्यूज़ कैसी लगी? मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि यार मैं भी रोमन का फ़ैन हूँ। वैसे ही अभी तो लोग रोमन की टाइटल रेन पर बात करें कि रोमन इज़ नाउ बोरिंग, बट अगर रोमन डेली जैसे पहले आते थे ऐसे आए तो मुझे नहीं लगता कि 1000 डेज भी रोमन जाए तो कोई मुझे दिक्कत होगी। तो ज़ाहिर है वो बंदा डेली आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा शेड्यूल रोमन है ऑफिशियली हम अगर गलत समझ रहे हैं, काम है तो सही मैं बोलता हूँ कि काश हम गलत समझ रहे हो, रोमन ये ना कहना चाहते हूँ कि वो पार्ट टाइमर बन गए, लेकिन अभी तक तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग यही है कि रोमन इनडायरेक्टली यही बताना चाह रहे हैं कि रोमन इज़ नाउ ऑफिशियली पार्ट टाइमर। और अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, फिर तो बेशक रोमन ने छाड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है भाई एक बंदा आ ही नहीं रहा था, दोनों चैंपियनशिप उसको दे के कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग को ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा, और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को देना तो सब्सक्राइब, और आपको इस पर यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो देखने को मिलेगी जो है मीम फाइट, तो ये वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। तो सी यू सून, टेक केयर, पीस आउट, लव यू ऑल, बाय बाय।